Hi guys, this is Deep and आज मैं drive कर रहा हूँ 2021 Ford Mustang EcoBoost 330 brake horsepower from its 2.3 liter turbocharged engine and now let's just launch it. Mustang, this car is actually so much fun. ये जो है मुझे पता है पूरा जो है V8 actual Mustang GT जो है नहीं है, but even then this car ये जो है बहुत ही fun to drive है. अभी ये car में जो है especially exhaust है and बहुत सारे options stick किए गए हैं and this car is very expensive. ये जो currently car है वो उसका sticker price जो है वो 56,000 Canadian dollars जो कि बहुत ही ज़्यादा है Mustang के लिए, क्योंकि वो price में आपको आराम से V8 वगैरह आ जाएगी. बट ये जो है वो प्रेस फ्लीट है फोर्ड कैनेडा की, तो उसका जैसे यूजली प्रेस फ्लीट जो होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्शंस किए होते हैं. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक प्राइस, कार के फीचर्स, कार के ऑप्शंस, तो बहुत सारे चीज़ है. बट आई नो सबको मेन कार देखने की जल्दी होती है, इसलिए फर्स्ट जो है मैं एक्सटीरियर दिखा दूंगा, देन इंटीरियर एंड देन विल टेक दिस कार अगेन आउट फॉर अ टेस्ट ड्राइव एंड देन द मोस्ट फन पार्ट लॉन्चिंग दिस कार अगेन. आपको भी स्पेशल थैंक्स कि आप सारा जो है चैनल को हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में, उसके वजह से मुझे ये सारे कार्स का जो है एक्सेस मिल रहा है. अभी ये भी जो है करंटली ये वीक की मेरी प्रेस कार है, वैसे हर वीक नई कार होती है तो ऐसे यूनिक यूनिक वीडियोस में आपके लिए ले पा रहा हूँ. सो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना, चैनल जितना ग्रो होगा उतना ही और एक्सक्लूसिव कंटेंट ले आ पाऊंगा. जैसे कि जो इलेक्ट्रिक हमर आ रही है उसका भी मैं ऑलरेडी जो है बुकिंग हो चुका है जब, बट वो नेक्स्ट ईयर आ रही है. सो एनीवेज ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहना. सारे एंगेजमेंट बढ़ाने की चीज़ें लाइक शेयर सब्सक्राइब हिटिंग दैट बेल आइकॉन, वीडियो लंबी देखना वो सारा करते रहना. एंड नाउ फाइनली लेट्स जस्ट चेक आउट द मस्टैंग एक्सटीरियर. 2021 Mustang EcoBoost हाई परफॉर्मेंस EcoBoost जैसे इसको फोर्ड बताता है. सो इसका जो विंडो स्टिकर है मैं आपको एक बीच में ही वीडियो के जो है कभी तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो उसमें अब इस कार के ऑप्शंस एंड सारा जो एकदम डिटेल्स जो है जो एक्चुअल में बाय करने के टाइम आपको हेल्पफुल होता है वो देख सकते हो. सो फर्स्ट इसका एक्सटीरियर, आई नो कन्वर्टेबल कार है एंड यू लिव इन कैनेडा, इट्स अ परफेक्ट वेदर टू हैव अ कन्वर्टेबल कार. बट आप मेरे चैनल पे हो सो ऑफकोर्स मैं जितना ट्राई करता हूँ आपको अच्छे से कार दिखाना ऐसा करता हूँ, तो रेनिंग हो या कुछ भी हो ऑफकोर्स आप हम इसका जो है रूफ ओपन ही रखेंगे. सो अभी फर्स्ट येस इसका रूफ ओपन करते हैं. सो अभी आप इसका जो है रूफ ओपन होते हुए देख सकते हो. सो ये कुछ इस तरह इसका मैकेनिज्म वर्क करता है. बूट के जो है स्पेस थोड़ा ऑफकोर्स ये ले लेता है, बट इवन देन यहाँ पे जो है ऊपर ही रहता है. यहाँ पे आप इसका बाकी सारा जो है रूफ ओपनिंग मैकेनिज्म देख सकते हो. इसका ग्लास भी जो है पीछे का, क्योंकि ऐसे कन्वर्टेबल है फैब्रिक है बट स्लीव्स में पीछे ग्लास आता है. सो ये पूरा जो है मैकेनिज्म ऐसे जाता है. एंड अभी जो है कार बहुत ही अच्छी, इसके जो है फैब्रिक जो है डेफिनेटली मस्टैंग कूप जो है बहुत अच्छी दिखती है. बट ये जो कन्वर्टेबल है वो रूफ अप के साथ जो है मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी, बट वंस द रूफ इज डाउन जस्ट लुक एट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार. मुझे जो है पर्सनली ओपन रूफ के साथ इसका साइड प्रोफाइल बहुत ही अच्छा लगा है. पूरा जो है कार एकदम लो एंड यहाँ से पूरा जो फ्लैट दिखता है अलग ही स्टांस आता है ये कार का पूरा. सो आई थिंक मुझे और डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. कम्पेयर टू रेगुलर मस्टैंग दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड. इसके फ्रंट में स्टार्ट करते हैं अभी. सो ये जो ग्रिल है वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड जो है कन्वर्टेबल मस्टैंग्स के साथ आता है, बट इसमें जो है ये पूरा मैंने जैसे कहा स्पेशल एडिशन ऑप्शन सारे टिक किए गए, इसलिए इसमें ये थोड़ा जो है डिस्टिंक्ट ग्रिल आता है. एंड देन बाकी भी जो है स्प्लिटर जो है वो सारा स्टैंडर्ड आता है. बस इसमें जो एक मेन पैकेज है कार में वो इसका परफॉर्मेंस पैकेज. सो वो है 7,000 कैनेडियन डॉलर्स का जो है वो पूरा पैकेज है.
मस्टैंग, जीप रैंगलर, ये सारे कार ऐसे ही होते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप स्टॉक कार ले लो, आफ्टर मार्केट से इतने अच्छे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, सो आप बाहर से जो है मच चीपर प्राइस में जो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट इसमें जो एक स्ट्राइप्स आता है इको बूस्ट के साथ जनरली, वो पैकेज में भी डिलीट हो जाता है, जो एक स्ट्राइप डिलीट हो जाता है, एंड बाकी बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें मेन है ये व्हील्स, तो ये 19 इंच के भी है, वो पैकेज के साथ ही व्हील्स आते हैं, एंड व्हील्स ही नहीं आते, ये ट्रैक हाई परफॉर्मेंस जो है, रेगुलर जो आपके स्टैंडर्ड टायर्स होते हैं उससे ये और हाई परफॉर्मेंस टायर है, जो कि ये वेदर में बिल्कुल भी काम के नहीं, देर इज़ एब्सोल्युटली नो ट्रैक्शन, टायर जो है वार्म अप होने की ज़रूरत होती है, आपने जो है लॉन्च के वीडियो में भी देखा होगा। ये जो है वो फेसलिफ्ट मस्टैंग है, इसलिए आप ये पूरा आगे का इसका डिज़ाइन देख सकते हो, जो कि इसके फेसलिफ्ट में सारे चेंजेस आए थे। मैं इसका आपको इंजन अभी शो कर देता हूँ। ये है स्टैंडर्ड जो मस्टैंग का की आता है, मतलब फोर्ड का की आता है, यहाँ बस मस्टैंग का लोगो है, ब्रोंको में जो है यहाँ पे डिफरेंट ब्रोंको का लोगो आता है, बट यहाँ पीछे से सेम ही है आपका गाड़ी स्टार्ट करने का, बूट ओपन करने का। सो अभी मेन थिंग जो है इसमें इंजन में आप देख सकते हो इसका एयर इंटेक है, इसमें कुछ हाई परफॉर्मेंस अपग्रेडेड है, जो कि मैंने बोला था वो पैकेज के साथ आता है, जैसे कि इंटेक हो गया, एंड देन पूरा जो इसका मफलर सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो जिसमें आता है एक्टिव वाल्व्स। ये जो बैजिंग है आप वो पूरा कार में देख सकते हो, एंड स्पेशली यहाँ साइड में, यूजली इको बूस्ट में जो है कोई बैजिंग नहीं आती। एंड अभी कार का रियर प्रोफाइल, एंड आई थिंक आई रियली लाइक इट, स्पेशली ये मैं जो शार्प लाइन बोल रहा हूँ जो इसके रियर क्वार्टर पैनल में, काफ़ी मस्कुलर लुक देता है कार को, एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन है कार का, मुझे पर्सनली आई थिंक इट्स रियली ग्रोइंग ऑन मी। एंड इसमें एग्जॉस्ट, जैसे कहा था कि आपको इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम आता है, ये आपका रिवर्स लाइट वगैरह आता है, एंड इसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी आते हैं। सो ये जो आप एक साथ देख सकते हो कॉर्ड एग्जॉस्ट पाइप, अभी जो है इसका मैं आपको स्टार्टअप साउंड, ऑफकोर्स कोल्ड स्टार्ट नहीं है, वो भी मैं प्ले करके दिखाऊंगा, अभी रेगुलर स्टार्टअप एंड थोड़ा रेव्स जो है वो सुना देता हूँ। इट स्टिल साउंड्स प्रीटी कूल फॉर अ फोर सिलेंडर। इसका एक बार बूट ओपन करके दिखाता हूँ, एक्चुअल में बूट ओपन करने का बटन जो यूजुअली यहाँ पे ही आता है, एंड ये है ऑफकोर्स आई एम लिविंग विद दिस कार नाउ, सो ये सारा जो है मेरा यूजुअल स्टफ है, इंडिया का फ्लैग ऑफकोर्स। इंस्टाग्राम पे आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं करते तो ज़रूर करना, वहाँ पे इसको रिलेटेड बहुत सारे रील्स आने वाले हैं। सो अभी आप देख सकते हैं रूफ मैकेनिज्म जो है बूट स्पेस में बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो है अकोमोडेट किया, क्योंकि मुझे पर्सनली पहले लगा था कि जो है रूफ मैकेनिज्म इसका जो है बूट के अंदर आता है कार में, बट आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ है, यहाँ पे जो है स्लोपिंग पैनल है, उसके अंदर ही रूफ इन्होंने जो अकोमोडेट किया। डेफिनेटली मच नैरोअर दैन द रेगुलर मस्टैंग, बट स्टिल आपको जो है इनफ स्पेस मिल जाती है, एकदम भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जैसे बाकी कार्स में सीधा यहाँ पे बीच में आ जाता है, सो आई रियली लाइक दैट। यहाँ पे एक कार का वूफर आता है, जो कि अगेन ऑप्शन है कार में, देर आर द साउंड सिस्टम इज़ रियली गुड इन दिस कार। अंडर फ्लोर स्टोरेज जो है आई थिंक यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं है, जो कि आप ऑप्शन कर सकते हो, बट स्टिल आपको जो है टायर इन्फ्लेशन किट मिल जाता है। नाउ फाइनली लेट जस्ट चेकआउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार, एंड एक्चुअली ऐसे ही इंटीरियर इसका पूरा चेकआउट कर सकते हैं, बट फर्स्टली जो है मैं आपको इसका रियर सीट स्पेस शो कर देता हूँ। अगर आगे के फ्रंट पैसेंजर जो है सीट जो है एकदम आगे करके थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाते, तो पीछे जो है शॉर्ट पीपल के लिए आई थिंक इट्स इनफ स्पेस, एंड ये जैसे कि कन्वर्टेबल है, इसमें हेडरूम का इशू नहीं है, तो दैट्स द मेन थिंग। जो कूप मस्टैंग में आपको लिटरली पीछे जो है क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आता है, हेडरूम कम है कार का, वो इसमें आपको अनलिमिटेड हेडरूम मिल जाता है, सो थोड़ा जो है ओवरऑल जो स्पेशल कम्फर्ट है वो इसमें डेफिनेटली ज़्यादा है। ये जो है ओवरऑल इसका पूरा इंटीरियर लेआउट है जो स्टैंडर्ड मस्टैंग का आता है। अब ये कार में जो है बस थोड़े ऑप्शनल फीचर्स है, वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन द मस्टैंग। सो मैंने अभी कार ऑन कर दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक हाइलाइट्स। अभी ये जो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कि पूरा कस्टमाइजेबल है, एकदम जो है आजकल हाई एंड कार्स में आता है वैसे कस्टमाइजेबल नहीं है, बट स्टिल इसका जो ग्राफिक का मेन्यू है वो चेंज होता है। एंड ये कार में जो है ऑप्शन सारे सिलेक्ट किए गए, उसमें सेफ्टी ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, जिसका बटन यहाँ पे है, सो ये बटन क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ, सो ये लेन आपको जो है लेन के सेंटर में नहीं रखता, एकदम लेन सेंटरिंग है। नॉट द बेस्ट सिस्टम, बट स्टिल इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड अभी इसका जो है ये पूरा ग्राफिक्स जो है वो यहाँ से चेंज होता है, जहाँ से इसके ड्राइविंग मोड्स चेंज होते हैं। सो अभी ये जो है अभी सिर्फ ये ऊपर होता है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ये ऊपर नीचे नहीं होता, बस ऊपर ही मूव होता है, सो ये नॉर्मल मोड,
एंड देन ये माई मोड जो आप कस्टमाइज कर सकते हो, एंड देन आता है स्पोर्ट्स प्लस मोड। ट्रैक मोड में बेसिकली आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है पूरा ऑफ हो जाता है, एंड मेरा ये जो है पर्सनल फेवरेट ग्राफिक है। बट जो मेन मोड है, इसके बाद में अगर और एक बार पुश करता हूँ, वो है ड्रैग मोड। यस, ये कार में जो है स्पेशली ड्रैग रेसिंग के लिए जो है स्पेशल मोड है। एंड बाकी यूजुअल इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना कॉन्फिगरेबल नहीं है, ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है। जो आपको माय मोड है मस्टैंग, वो यहाँ पे जो है ये मस्टैंग का लोगो है, वो क्लिक करते ही जो आप सारा इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। अपना एग्जॉस्ट मोड जो है यहाँ पे भी है, ट्रैक पे है अभी, क्वाइट, नॉर्मल, स्पोर्ट। सो आप जो है ये सारा माय मोड में सारा आपका सेटअप पूरा कर सकते हो। अभी मोस्ट ऑफ द फीचर जो आपको रोका होगा कि स्क्रीन से कंट्रोल दे, बट नहीं, जो है स्टेयरिंग से ही कंट्रोल दे, विच आई प्रेफर, तो ड्राइवर के कंट्रोल में रहता है। थोड़ा आपको सेटिंग से जाना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने ये मस्टैंग मोड क्लिक किया, देन इसके ऊपर जो है अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो माई कलर में है। सो उसके बाद अगर मैं ऊपर क्लिक करूँ तो गेजेस, ट्रैक ऐप्स एंड सारा एम्बिएंट लाइटिंग। अभी मैं माई कलर में जाऊँ, क्रिएट माई ओन कलर, सो यहाँ पे जो है अभी वो एरोस, ये देखो ये एरोस से ही आप वापस पूरा जो है इसको चेंज कर सकते हो। एंड बाकी सारा आपके हेडलाइट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन, स्टेयरिंग मोड, हैजार्ड लाइट, सारा है वो यहाँ पे ही है। ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल, फिजिकल बटन है, वेंटिलेटेड सीट्स तक है ये कार में। एंड ये जो है अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम के बेसिक आपको कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। एंड बाकी यूजुअल स्टफ, कप होल्डर्स, यस यू डू गेट कप होल्डर्स। आपको स्मॉल जो है यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जो कि इनफ है। लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, जिसकी स्पेस जो है आई थिंक इट्स डिसेंट स्पेस है कार में। साइड में जो है थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आप बॉटल्स जो है उसमें नहीं रख सकते, बट यहाँ पे अगेन आपको जो है बैजिंग आ जाती है, चेसिस, ये जो पूरा हाई परफॉर्मेंस 2.3 लीटर सारा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे कोट करके कहा था हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि यही सारी बैजिंग है दिस ऑल अराउंड द कार। यहाँ पे जो है इसका ऑयल प्रेशर एंड आपको टर्बो प्रेशर, क्योंकि ये कार टर्बो चार्जर स्टैंडर्ड GT नहीं आती, इसलिए ये कार में यहाँ पे जो है आपको टर्बो बूस्ट जो है आपका टर्बो प्रेशर यहाँ पे बताता है। सो वो एक डिफरेंस है जो है स्टैंडर्ड GT मस्टैंग। सो ये था मस्टैंग इको बूस्ट फॉर यू। एंड अभी वीडियो का मेन पार्ट, हैविंग फन, दैट मीन्स टेकिंग दिस कार आउट फॉर अ ड्राइव अगेन। एंड फर्स्ट थिंग जो है डेफिनेटली हम इसको लॉन्च करेंगे। एंड नाउ फर्स्ट थिंग लॉन्चिंग दिस कार। सो अभी फर्स्ट जो है मैं इसको ट्रैक मोड पे रख रहा हूँ, क्योंकि जो है ट्रैक मोड पे इसमें सिर्फ 80 गियर्स आते हैं, जो कि 10 स्पीड ऑटोमेटिक से उसमें से आप 80 गियर्स यूज़ कर सकते हो, विच मेक सेंस इन ट्रैक मोड। एंड ट्रैक मोड पे ही है सारा इसका एग्जॉस्ट वगैरह जो है स्टेयरिंग स्पोर्ट सेटिंग्स पे चला जाता है। सो नाउ आपको कार जो है ऑफकोर्स डेफिनेटली ड्राइव सिलेक्ट में भी स्पोर्ट्स मोड पे रखनी है। सो नाउ लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, बिल्डिंग बूस्ट। This is crazy. The pops and cracks from this exhaust system is crazy. यही कार का ऑप्शन है जिसमें लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी आता है, एंड देन ये व्हील्स एंड टायर्स भी आते हैं। दिस कार इज फन। As I said, even though इको बूस्ट है, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। इवन ये इको बूस्ट रह के भी, अनटिल एंड अनलेस यू आर पास्टर मालोनाडो और निकिता माज़ेपिन इन फॉर्मूला 1, यू वुड नॉट क्रैश दिस कार। दिस कार जो है मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने फर्स्ट टाइम इको बूस्ट का वीडियो बनाया था, ये आप कार ऐसे समझ लो कि यू कैन स्टिल हैव अ मस्टैंग एंड लॉन्च इट विदाउट क्रैशिंग। ये कार पूरा ट्रैक मोड पे आप डालो, पूरा ट्रैक्शन ऑफ करो, सो इट्स इवन मोर, मतलब बहुत ही हार्ड हो जाता है कंट्रोल करना, एंड इट्स मोर एफिशिएंट। अभी जो है मस्टैंग GT जो है मैंने अब तक जो है यूज़ नहीं किया है, आई हैवन्ट लिव विद दैट कार येट, सो इसलिए मैं अभी फ्यूल इकोनॉमी तो बता नहीं सकता। बट अगर इसकी फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, सो इट्स नॉट दैट ग्रेट ईदर। अभी मैं जो पर्सनली इस पर मैनेज कर रहा हूँ वो है 14 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, विच इज़ रियली बैड फॉर, मतलब 2.3 लीटर का इको बूस्ट इंजन है। आई नो कि हाई परफॉर्मेंस है एंड वो सारा एग्जॉस्ट सिस्टम है, बट स्टिल इतना फ्यूल इकोनॉमी कार का अच्छा भी नहीं है। सो फ्यूल इकोनॉमी डेफिनेटली, बट GT में वो और वर्स है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। एंड ओवरऑल जो है ये पूरा पावर ट्रेन जो है वो लो मेंटेनेंस है कंपेयर टू द GT, सो ये एक फैक्टर आता है। एंड इट्स मच चीपर दैन द GT एज वेल, इसलिए ये जो कार है स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। एंड अगर ऑफकोर्स मैं पर्सनली तो रिकमेंड करूंगा मस्टैंग GT ही लेने, बट स्टिल आपको अगर ये बजट में आ रही है, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। आप जो है फर्स्ट मॉड इसमें डेफिनेटली बाहर से जो है एग्जॉस्ट सिस्टम कर सकते हो। इवन दिस कार एज यू हर्ड हैज पॉप्स एंड बैंग्स, नहीं है कार में बट पॉप्स एंड क्रैक्स है, सो दैट्स फन। एक्टिव एग्जॉस्ट वाल्व सिस्टम है जो कि आप बाहर से भी जो है कार में इंस्टॉल कर सकते हो। सो ओवरऑल जो है कार को आप बहुत ही फन भी कर सकते हो, क्योंकि
पर्सनली जो है मैंने ये EcoBoost विदाउट एग्जॉस्ट सिस्टम ड्राइव की है, जो मैंने फर्स्ट टेस्ट ड्राइव की थी, वीडियो बनाया था। इट्स मतलब वो जो मेन मस्टैंग का कैरेक्टर है वो ही नहीं आता। आई नो काफ़ी पॉपुलर कार में, बट स्टिल आई थिंक इट्स अ बिग थम्स डाउन, क्योंकि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है कार में। एकदम स्टैंडर्ड जो है हैचबैक के इंजन जैसा आवाज़ आता है, एंड वो भी मस्टैंग से। एंड फाइनली इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो मुझे ये कार के लिए पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, GT जो है मस्टैंग उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कि मेन हाईलाइट है कार में। मुझे लगा था कि इसका स्टीयरिंग फील इतना अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल आपको पूरा हैवी स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स कार का फील, डायरेक्टनेस, कम्युनिकेशन, वो सारा भी इसमें मिल जाता है। नॉट परफेक्ट, बट स्टिल कार के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ऑफकोर्स इसके कॉम्पिटिशन भी आते हैं, जैसे कि ये जो है मस्टैंग का मेन वो ही है कि बजट में आ जाता है, क्योंकि अभी इसका किया स्टिंगर GT भी देखा जाए, ये सारे कार्स भी है थोड़े एक्सपेंसिव है। दूसरे कार्स जो आते हुए मैजडा मियाटा, बट इट्स मोर मतलब वो बहुत ही कम प्रैक्टिकल है कंपेयर टू दिस कार। बहुत ही फन विक रहा है ये, एंड इट स्टिल मतलब ये कार अभी जो है सैटरडे, ये कार मेरे पास मंडे तक है, आई एम गोइंग टू हैव मोर फन विद इट। सो इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहना, वहाँ पे जो है मैं डेली स्टोरीज वगैरह जो है वो डालते रहता हूँ। मैंने जैसे कहा था मेन आपको एक कार ही दिखाना था, एंड इसका ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हैविंग फन, एग्जॉस्ट नोट, यही सारे जो फन पार्ट जो है मेन आपको वीडियो में दिखाने थे, बाकी जो है सारा कुछ आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। सो विद दैट दैट मीन्स दैट्स इट फॉर द मस्टैंग EcoBoost। और भी जो है मस्टैंग के वीडियो आने वाले हैं डेफिनेटली, जो यूनिक हो गए। मैं यूजुअली जो है स्टैंडर्ड मस्टैंग जो है GT उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, जो यूनिक वेरियंट्स आते हैं मस्टैंग के उसके ऊपर ही आगे जाके डेफिनेटली मस्टैंग Mach 1 का जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इसके लिए फोर्ड कैनेडा को टैग करते रहना, तो वो कार का भी जो है मैं वीडियो आपके लिए ले आ पाऊँगा, एंड अदर वेरियंट्स भी जो है मस्टैंग के वो भी। सो विद दैट नाउ दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट।